भाजपा के पितृपुरुष कुशाभाऊ ठाकरे की जन्म जयंती पर इंदौर जिला भाजपा को 5 करोड़ रुपए की समर्पण निधि का टारगेट दिया गया है और उस टारगेट को पूरा करने के लिए जिले के कप्तान डॉक्टर राजेश सोनकर गुरु नानक मंडल की बैठक लेने बेटमा पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को टारगेट पूरा करने के मंत्र बताए। सोनकर में एक बूथ में 50,000 रुपये की राशि एकत्रित करने एवं कार्यकर्ताओं से 500 रुपये और उसके सहयोगी विचार वाले व्यक्ति से 500 रुपये राशि संगठन के लिए लेने का सुझाव दिया। कार्यक्रम के दौरान मंडल महामंत्री, सोशल मीडिया जिला संयोजक एवं जिला मंत्री द्वारा 21,000 रुपये की राशि देने पर उनका जिला अध्यक्ष द्वारा अभिनंदन किया गया। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस बार श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष के संदर्भ पर उनके रूप में मना रहे हैं और इसलिए हमने ये तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जो बूथ पर होता है, हर कार्यकर्ता के माध्यम से और हर कार्यकर्ता की सहभागिता के साथ में हम सभी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से आदरणीय कुशाभाऊ ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर श्रद्धांजलि स्वरूप अपनी समर्पण निधि अर्पित करें। इसलिए हमने ये योजना बनाई है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता तक और ज़्यादा से ज़्यादा राशि हम समर्पण निधि के रूप में करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।